सांप यदि घर पर दिखे तो लोग उसे डंडे से मारते हैं, और यदि शिवलिंग पर दिखे तो लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं बल्कि आपकी स्थिति और आपके स्थान का करते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा करो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्तों को ऐसा रखें कि रिश्तों का कभी अंत ना हो। जहां विश्वास होता है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर कहां गीता पर भी श्री कृष्ण के हस्ताक्षर है। इसलिए जिस पर विश्वास करो पूरा करो, नहीं तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। समझदार इंसान कभी चिंता नहीं करते, वो हमेशा चिंतन करते हैं, और मूर्ख इंसान हमेशा चिंता करता रहता है, वो हमेशा समस्या के बारे में सोचता है, ना कि ये कि उस समस्या का हल कैसे निकलेगा। जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए शांत रहिए। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है, जमाना खराब है। ये वक्त भी बड़ा अजीब है, यदि उसके साथ चलो तो इंसान की किस्मत बदल देता है, और यदि उसके साथ ना चलो तो इंसान को ही बदल देता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। इसलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, और जो जितना जलता है उसे और जलाओ। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तो वही चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में कभी बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, मध्यम व्यक्ति को फुर्सत नहीं है, और अमीर इंसान को इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए समाज हमेशा ऐसे ही रहता है। जीवन में यदि सुखी रहना है तो इन चार बातों को हमेशा याद रखना। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ लेकिन उससे सीख जरूर लो। दूसरा, वर्तमान में जियो लेकिन भविष्य की प्लानिंग तैयार रखो। तीसरा, दूसरों के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दो। और चौथा, अपने काम को टालना बंद करो। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में ना हो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना सही बात नहीं, कई बार हम ही हद से ज्यादा मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि अपने बहुत है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ साया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्लें न देखकर उनके दिल में झांकोगे तो आपकी नजर और साफ हो जाएगी। ये तीन बातें हमेशा याद रखना। यदि गलतफहमी को दूर ना किया जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराई कर सकता है, वही इंसान दूसरों के पास जाकर आपकी बुराई भी करेगा। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है।